बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमारा भारत पूरे एशिया महाद्वीप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी अलग अलग हम कहें कि इसकी स्थिति और विस्तार के आधार पर और यहाँ पर पाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, इसके जो भौतिक विभाग हैं, उसके आधार पर इसका एक अलग ही महत्व है। पूरे हम कह सकते हैं सिर्फ एशिया महाद्वीप ही नहीं, पूरे विश्व में इसका विशिष्ट स्थान है। हमने पिछली कक्षा में देखा भी कि इसकी स्थिति विस्तार के साथ साथ प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, और हमने ये भी देखा कि जो प्राकृतिक विभाग हैं, फिर हम स्थिति विस्तार की बात करें, इन सब के आधार पर इसमें बहुत अधिक भिन्नताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग भिन्नताएं इसके भौतिक विभाग में देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्थल रूप देखने को मिल रहे हैं, इन सब के आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ जो मनुष्य निवास करते हैं वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को इसके अनुरूप कैसे ढालते हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, चाहे वो हम पठार की बात कर लें या हम मैदान की बात कर लें या हम किसी पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें, तो इस आधार पर वो कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, कैसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और कौन कौन से जो हम आर्थिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये कैसे उस भौतिक परिवेश के साथ अपना सामंजस्य जो है वो बिठाते हैं। ये सभी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग भौतिक परिवेश में उनके आर्थिक क्रियाकलाप अलग होंगे, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी एक अलग ही प्रकार से होगी सभी भौतिक विभागों में निवास करने वाले लोगों की। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, बच्चों अगर आप किसी मैदानी क्षेत्र में निवास करते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय होता है। अगर आप किसी तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की बात करेंगे या उनके क्रियाकलाप को देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किसी भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, वहाँ पर मत्स्य पालन या मछली पालन उनका प्रमुख व्यवसाय होता है। इसके साथ ही यदि हम पठारी क्षेत्र की बात कर लें तो हम देखेंगे पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं, एक तो खनन का प्रमुख व्यवसाय होता है, क्योंकि वहाँ पर खनिज संपदा जो है वो अथाह देखने को मिलती है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो वनों से संबंधित उत्पाद या खनन कार्य और इसके साथ ही साथ कृषि में भी वो बहुत हद तक संलग्न होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक विभाग या जो अलग अलग भौतिक विभाग स्थलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, इन सब के आधार पर उनके आर्थिक क्रियाकलापों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से प्राकृतिक विभाग हैं। तो सबसे पहले यदि हम आ जाएं उत्तर की तरफ, तो उत्तर में हम देखेंगे कि हमारा विशाल हिमालय जो है वो हमारे आधार के रूप में खड़ा हुआ है। उसके ठीक नीचे आ जाएं तो हिमालय के ठीक नीचे हमें उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलता है। विशाल मैदान के नीचे आते हैं हम तो जो विश्व का पूरा हम प्राचीन भूखंड कह सकते हैं, उन प्राचीन भूखंडों में से एक जो प्रायद्वीपी पठार है ये भी यहाँ उपस्थित है। इसके बाद हम दक्षिणी छोर पर आ जाएं तो हम देखते हैं कि जो दक्षिणतम छोर है हमारे भारत का या दक्षिणी हिस्सा जो है भारत का, वो हम देखते हैं कि तीन ओर से जलीय भाग से घिरा है, जो इसे प्रायद्वीपीय स्थिति जो है प्रदान करता है। और इस आधार पर हम देखेंगे कि इसके तीन छोर जो हैं वो तटीय क्षेत्र हैं या जल भाग से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं, तो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे भारत के पश्चिम में विशाल मरुस्थल भी उपस्थित है, और इसके अलावा कुछ जो द्वीप समूह हैं ये भी हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम इन सभी पर एक एक करके विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की दो शक्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पहली तो अंतर्जनित शक्तियां होती हैं,
और दूसरी बहिर्जनित। अगर हम बहिर्जनित शक्तियों की बात करें तो हम देखते हैं कि धरातल पर जो हवा चलती है, वायु, वर्षा, हिम के द्वारा और साथ ही साथ जल और तापमान की क्रियाएं सतत रूप से क्रियाशील रहती हैं, और इन क्रियाशील तत्वों के द्वारा ही धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं, और इनसे बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती हैं वो बहिर्जनित बल के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे कि घाटियां, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी। हम मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएं तो सीव, बरखान, यारडांग, ये सभी जो है वो प्रमुख बहिर्जनित बल के कारण उत्पन्न धरातलीय स्थलाकृतियां हैं। अब हम अंतर्जनित शक्तियों की बात करें तो अंतर्जनित शक्तियां, जिसमें प्रमुख उदाहरण जो है भूकंप और ज्वालामुखी। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियों के ये परिणाम हैं। जो शक्तियां धरातल के नीचे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम अंतर्जनित शक्तियां कहते हैं, और जिसे हम देख रहे हैं भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में। प्लेट, पृथ्वी का बाहरी आवरण जिसे स्थल मंडल कहते हैं, ये विभिन्न शैल खंडों का बना है, इन्हें प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की जो धरातल है वो मुख्य रूप से छह प्रमुख प्लेटों और कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में एक प्लेट जो है वो हमारा भारतीय प्लेट है। ये सभी प्लेटें भूगर्भीय बल के कारण या भूगर्भीय शक्ति के कारण गतिशील रहती हैं, और सामान्यतः जो पता चला है इनकी गति के बारे में, ये हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इतनी धीमी गति से होती है कि हम इसके सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे ये सिर्फ एक वर्ष में हम देखें तो कुछ सेंटीमीटर ही सरकती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। ये आकार में काफी विशाल थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो अभी अलग एक भिन्न प्लेट है, ये भी इसी भारतीय प्लेट का एक हिस्सा थी। लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी, और उत्तर में स्थित यूरोपियन प्लेट से जा टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों के जो अवसाद लाए गए उनका जमाव बहुत लंबे समय तक होता रहा, और सागर में जमा हो रहे अवसाद बहुत ज्यादा दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, और इस प्रकार से 5,50,00,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीन है, जबकि हमारी अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहां करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थी। इसका इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टान आज भी, यदि हम आज भी हिमालय के कुछ चट्टानों में देखें तो यहाँ समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। और ये पता चला है, वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इस पर हम बात करते हैं। बच्चों, जब हम पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे या हम ये देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे अभी मैंने कहा था कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है वो विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है, तो ये आपको पता होगा कि जो विश्व का नक्शा हमारे सामने या विश्व के जितने भी भूखंड हमारे सामने अभी वर्तमान समय में है, हमें दिखते हैं, वो पहले वैसे नहीं थे। पहले तो हमारे पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पर हम बात करें तो एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था।
एक ही महाद्वीप जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप, और इस महाद्वीप के चारों तरफ जो है जल का विस्तार था या समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, और इस महासागर का नाम था पेंथालसा। तो हमें मालूम है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से अभी तक ठंडी नहीं हुई है। इस पे तीन परतों के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो जहाँ पर हम अभी रहते हैं हमें पता है कि वो क्रस्ट है या भूपर्पटी है। इसके नीचे हम चले जाते हैं तो मेंटल आता है और उसके बाद फिर क्रोड। और हमें ये भी मालूम है कि पृथ्वी के निचले हिस्सों में यदि हम जाते जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो इसमें तापमान जो है वो अभी भी बहुत अधिक है। और जो मेंटल वाले पार्ट की हम बात करते हैं वो अभी सेमी लिक्विड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। और ये कैसे पता चलता है हमें कि सेमी लिक्विड में है? क्योंकि जब भी हमारे धरातल पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा लावा के रूप में हमारी धरातली सतह पर फैल जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो किस भूभाग से आ रहा है। वो तो पृथ्वी की आंतरिक सतह से आ रहा है, गहराई से आ रहा है, ऊपर की तरफ उसका प्रवाह हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में है? सेमी लिक्विड फॉर्म में। और वही मैग्मा जो है वो हमारे धरातल पर ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से धरातल की सतह पर लावा के रूप में आता है। तो हम ये देखेंगे कि ताप और दाब के फलस्वरूप जो पृथ्वी का आंतरिक भूभाग है वो अस्थिर है। उसमें कुछ मूवमेंट जो है, हलचल जो है वो होती रहती है। और इसी आधार पर ये तो प्रारंभिक अवस्था से ही ये क्रियाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो जो पहले पैंजिया महाद्वीप था उसमें विखंडन हुआ पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप, और ये जो पूरा एक महाद्वीप या एक स्थल भाग था वो दो भागों में, दो टुकड़ों में बट गया। उत्तर का भाग अंगारालैंड और दक्षिण का भाग जो है वो गोंडवानालैंड। और हम जो प्रायद्वीपी पठार की बात कर रहे हैं तो ये प्रायद्वीपी पठार इसी गोंडवानालैंड का ही एक हिस्सा है। उसके बाद फिर निरंतर समय के साथ साथ हम देखेंगे कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का भी विभाजन हुआ, और अभी वर्तमान में जो ये हमारे पास महाद्वीप और महासागर नज़र आते हैं ये इस पैंजिया और पेंथालसा के विखंडन के फलस्वरूप ही नज़र आते हैं। बच्चों, इसी संदर्भ में हम एक छोटी सी चर्चा और करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी तो हमने बात की कि प्राचीन समय में पृथ्वी की बनावट कैसी थी, उसमें किस टाइप से स्थल भाग और जली भाग देखने को मिल रहे थे। बच्चों, जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं या हम कहें कि पृथ्वी के जिस ऊपरी परत पर हम निवास करते हैं, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं, और हम इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ये स्थल मंडल है। ये जो स्थल मंडल है, अभी जो मैंने बताया था इस क्रस्ट के नीचे मेंटल की स्थिति है, तो इस स्थल मंडल में या लिथोस्फीयर में ही हमारे जितने भी महाद्वीप या महासागर हैं इनकी स्थिति देखने को मिलती है। और ये ठीक उसी प्रकार हम पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी महाद्वीप या महासागर हैं ये अलग अलग प्लेटों में हमको देखने को मिलते हैं। मतलब कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर ये बना हुआ है, ये पूरा एक भूभाग नहीं है। और इन प्लेटों के ऊपर ही ये प्लेट जो है वो लिथोस्फीयर में है, स्थल मंडल में है, और इन प्लेटों के ऊपर जो महाद्वीप और महासागर हैं उनकी स्थिति है। और ये जो प्लेटें हैं वो मेंटल पर, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल की स्थिति है, ये उस पर ठीक उसी प्रकार तैर रहे हैं जैसे आप किसी नाव को जल में तैरते हुए देखते होंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो प्लेटें हैं, चाहे हम छोटी प्लेटों की बात करें या हम बड़ी प्लेटों की बात करें, ये प्लेटें भी मेंटल पर, क्योंकि मेंटल का फॉर्म कैसा है हमने बताया कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ये उसमें ठीक उसी प्रकार एक नाव जैसे जल में तैरती है उसी प्रकार ये प्लेटें भी मेंटल में प्रवाहित हो रही हैं, गति कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि जब इन प्लेटों में गति हो रही है और इन प्लेटों में ही हमारे महाद्वीप और महासागर हैं और उस महाद्वीप में हम रहते हैं, तो ये हमें महसूस क्यों नहीं होती?
बच्चों, इसकी हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रवाहित होने की दर जो है, या हम कहें इसके खिसकने की दर जो है, वो बहुत धीमी है। हम कह सकते हैं कि लगभग एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर की दर से ये प्रवाहित होती है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। अब ये प्लेटें हैं कितनी है? तो हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटें हैं, और इसके अलावा और कई छोटी अन्य जो हैं वो छोटी प्लेटें हैं। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने बात की थी पैंजिया और पैंथालसा, फिर हमने देखा कि पैंजिया में विभंजन हुआ या उसका विखंडन हुआ और वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम वर्तमान हमारा भारत का जो अस्तित्व है वो कैसे आया, या भारत में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले भारत जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था, और ये आकार में हम कहें कि बहुत बड़ा था, या जो हम बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पहले ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात कर रही हूँ, तो इस मानचित्र पर आप थोड़ा देख कर समझ लीजिए। जैसे जो मैंने कहा कि 6 प्रमुख रूप से बड़ी प्लेटें हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है वो एक प्लेट के ऊपर स्थित है। फिर हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात कर रहे हैं, इसके बाद अफ्रीकन प्लेट, तो अफ्रीकन प्लेट में भी हम देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ कुछ हिस्सा अटलांटिक महासागर का भी आता है। तो ठीक ऐसे ही पहले जो भारत था ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा था, और ये काफ़ी बड़ी प्लेट थी ये, और ये भूमध्य रेखा के पहले दक्षिण में स्थित था, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब जैसे ही ये प्लेटें जो है, मैंने बताया था ना कि ये स्थिर नहीं है, इनमें मूवमेंट हो रहा है, ये गति कर रही हैं, तो ये सरकती हुई जो है, इसमें विखंडन हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद फिर हम जो देखेंगे कि दो हिस्से में ये टूट गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की तरफ खिसक कर चली गई, उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में खिसकने लगी, और जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर दिशा में खिसकने लगी, और उत्तर दिशा में खिसकने के साथ उत्तर में ही जो स्थित यूरोपियन प्लेट थी उससे ये जाकर टकरा गई। इन दोनों प्लेटों के बीच जो है, किनके बीच? यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा जलीय भाग था जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। और जैसे ही ये इंडियन प्लेट मूव करती हुई, गतिशील होती हुई यूरोपियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ती है, तो इस सागर में जितने भी जो अवसाद या निक्षेप थे, जो इन दोनों प्लेटों के नदियों या हिमानी वायु के द्वारा जो अवसाद जमा किए जाते रहते थे, वो अवसाद तो जमा हो ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हम कहें कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गतिशील हुई, तो इस टेथिस सागर में दबाव पड़ने लगा, इसके अवसादों में दबाव पड़ा, और दबाव के फलस्वरूप हम देखेंगे कि इन अवसादों में वलन पड़ गए, और वलन पड़ने के फलस्वरूप आज जो हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं हिमालय पर्वत की, इसका परिणाम हिमालय पर्वत के रूप में हमें देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्लेटें आपस में आमने सामने मूव करती हुई जाकर टकराई, और इनके बीच में जो जलीय हिस्सा जिसे हम टेथिस सागर कह रहे थे, दोनों के आमने सामने खिसकने के कारण उस सागर के अवसाद में दबाव पड़ा, और दबाव के फलस्वरूप आप इमेजिन कीजिए ना, जब कोई दो वस्तुएं आमने सामने खिसकेंगी, तो जो बीच में कोई वस्तु स्थित है या कोई चीज़, कोई पदार्थ है, तो वो तो पहले बहुत फ्रीली वहाँ पर अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन अगर उसमें हम किसी दो तरह से, दो दिशाओं से आमने सामने से हम दबाव डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, उस पदार्थ में
दबाव के कारण संपीड़न की स्थिति होगी और उस संपीड़न के कारण उसमें वलन जो है वो पड़ जाएगा। और ठीक यही स्थिति टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण, और वलन किस लिए पड़ा, इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा में खिसक कर यूरोपियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ा और उससे टकराने से इस बीच के टेथिस सागर में वलन पड़े, और उस वलन का जो परिणाम है वो आज हमें वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो बहुत प्राचीन नहीं है, ये बहुत नया है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी, इसीलिए हम इसे नवीन पर्वत कहते हैं। और नवीन कैसा पर्वत, चूंकि इसका निर्माण जो है वो वलन पड़ने के फलस्वरूप हुआ है, इसलिए हम इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। और यही जो हमारा अरावली है, अरावली पर्वत, हम पश्चिमी हिस्से में चले जाएं उत्तर पश्चिम में, तो हम देखेंगे कि ये बहुत प्राचीन है, लेकिन हमारा जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो एक नवीन वलित पर्वत है। और इसका जो निर्माण है वो लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पहले, वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने तो देख लिया कि इसका निर्माण या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप के इस प्राकृतिक स्वरूप जिसे हम हिमालय पर्वत श्रेणी कह रहे हैं, यही हिमालय पर्वत नहीं, ये एक पर्वतों की श्रेणी है। श्रेणी मतलब कह सके कि श्रृंखला है ना, जो कि समानांतर, एक दूसरे के समानांतर जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। आप मानचित्र में भी देख सकते हैं कि हमारे भारत के उत्तर में जो स्थित हिमालय है वो पश्चिम से पूर्व समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। कोई एक पर्वत की चोटी ही नहीं है या एक पर्वत नहीं है, ये पर्वतों की श्रृंखला है, सीरीज है इसमें। तो कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा आता है पहला वृहद या महान हिमालय, या हम इसी को आंतरिक हिमालय, या इसी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम बात करेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरी इसकी जो श्रेणी है जिसे हम शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर सबसे ऊपर में हम देखेंगे ट्रांस या तिब्बत हिमालय। चूंकि इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो तिब्बत में फैला हुआ है, इसलिए हम इसे ट्रांस या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये मैंने बताया कि हिमालय के तीन भाग हैं, या मैंने जो बोला था कि समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है, तो ये तीन समानांतर श्रेणियाँ इसकी मिलती हैं, महान, लघु और शिवालिक श्रेणी के रूप में। अब हिमालय के संदर्भ में हम कुछ बातें जो अभी हमने की भी है कि हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है, इसमें आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गार्ज तक फैला हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली है पश्चिम से पूर्व। आप मानचित्र में बहुत अच्छी तरह से इसे देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि पश्चिम में सिंधु नदी है, यहाँ से इसका विस्तार लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग गार्ज तक इसका विस्तार है या फैलाव है। इसके बाद हम देखेंगे इसके उत्तर में तो तिब्बत का पठार है, विशाल तिब्बत का पठार है, और दक्षिण में हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान है। पर्वत के बाद हमारे भारत के दूसरे प्राकृतिक स्वरूप उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति है, जो कि हमारे हिमालय के दक्षिण में है। इसमें आप एक बात और देख पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो पश्चिम में हमको अधिक देखने को मिलती है, और जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ती है तो पूर्व में ये सक्रिय होती जाती है। पश्चिम में हम देख रहे हैं कश्मीर के पास ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश तक ये पहुंचती है तो इसकी चौड़ाई घटकर लगभग 150 किलोमीटर रह जाती है। पूरा हिमालय जो है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है या इसका विस्तार है। आइए
अब हमने जो इसकी समानांतर श्रेणियों की बात की थी या भारत हिमालय के प्रमुख वर्गीकरण की जो बात की थी उस पर भी हम बात कर लेते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। पहला हम देखते हैं वृहद या आंतरिक हिमालय। ये हिमालय का की ये सबसे ऊपरी श्रृंखला है हम देखें, और ये सबसे ऊंची भी है और साथ ही साथ दुर्गम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसी श्रृंखला का हिमालय की जब उत्पत्ति हुई तो उस दौरान सबसे पहले इसी श्रृंखला का महान हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी जो है वो सबसे अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब दो चीज़ें यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रही है तो इंडियन प्लेट जैसे ही आगे बढ़ के यूरोपियन प्लेट से टकराई है तो सबसे पहले धक्का उसे वहाँ पर लगा है, तो जो सबसे पहले उसमें फोर्स के साथ दबाव के साथ जो धक्का लगा तो उसका वो पार्ट जो है वो उठकर सबसे ऊपर आ गया, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की श्रृंखला को हम हिमाद्री भी कहते हैं, और हिमाद्री इसलिए कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों में भी हमें हिमाद्री के नाम से इसका वर्णन मिलता है, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अभी कहा ना भाई कि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है हिमालय की श्रृंखलाओं में, और इसके कारण ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और बर्फ़ से ढके रहने के कारण हम इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विश्व की सबसे जो ऊँची चोटियाँ हैं, हम यदि पूरे विश्व में बात कर लें कि सबसे ऊंची चोटियां जो 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं तो उसमें से 9 चोटियां जो हैं वो इसी महान हिमालय में ही हमको देखने को मिलती हैं। तो आप मानचित्र पर इसे देखकर थोड़ा समझ भी सकते हैं। आपको बच्चों पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे आप, माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट की जो स्थिति है वो इसी महान हिमालय में मिलती है, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अभी वर्तमान यदि हम आंकड़े देखें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी हमने जो बात की हिमालय पर्वत में जो है वो अभी भी उठाव की प्रक्रिया जो है वो हो रही है, वो अभी भी ऊपर की तरफ उठ रही है, वो हिस्सा हिमालय का वो हिस्सा स्थिर नहीं है, वो अभी भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। और इसका प्रमाण है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ऊंचाई 8,848 थी, लेकिन वर्तमान जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इसकी ऊंचाई अब अभी वर्तमान में आज 8,850 मीटर हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा, और ये 8,548 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा आपको पता होगा कि हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और लेकिन इसकी स्थिति जो है वो भारत में नहीं है, ये नेपाल में इसकी स्थिति है, लेकिन हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी हम कहेंगे तो कंचनजंगा है। केटू भी है जो कि आपके, लेकिन ये हमारे पीओके में आती है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर उसकी स्थिति है, और यदि पूरे भारत के अधिकार क्षेत्र वाले स्थल रूप में हम यदि बात करेंगे तो कंचनजंगा ही जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखते हैं मकालू 8,481 मीटर, फिर धौलागिरी आता है 8,172 मीटर, फिर हम बात कर लेते हैं मसालू की, ये 8,156 मीटर, फिर नागा पर्वत है 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8,078 मीटर, फिर नंदा देवी है 7,817 मीटर, और इसके बाद फिर भारत का जो एकदम पश्चिमतम छोर है जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं, वहाँ पर जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यू टर्न लेती है, वहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं, इसकी ऊंचाई जो है वो 7,756 मीटर है, और नामचा बरवा पर्वत के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यू टर्न लेती है और दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। हम देखेंगे कि महान हिमालय की जो प्रवृत्ति है या जो इसकी बनावट है, इसकी प्रकृति, वो असममित है, मतलब समान ढाल हमको सममित
और असममित कहने से आपको समझ में आ रहा होगा, असमान है। मतलब यदि हम इसके महान हिमालय के दक्षिण की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें खड़ा ढाल है, लेकिन चूंकि अभी हमने कहा था कि इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, तो ऊपर में तिब्बत के पठार वाली स्थिति है, तो उसके कारण वहाँ पर ढाल जो है वो एक जेंटल स्लोप की तरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है दक्षिण की तरफ। इसके बाद महान हिमालय की जो संरचना है यह किन चट्टानों से बना है, तो हम देखेंगे इसके क्रोड में ग्रेनाइट चट्टान जो है इसकी प्रमुखता देखने को मिलती है, या ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना हुआ है। इसके बाद हम दूसरे विभाजन पर आ जाते हैं जिसे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये महान हिमालय के नीचे ठीक पश्चिम से पूर्व की तरफ ही समानांतर श्रेणी के रूप में लघु या मध्य हिमालय भी फैला हुआ है, और इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। इसका जो निर्माण है, मतलब किन चट्टानों की प्रधानता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय में, तो हम देखेंगे कि इस हिमालय का जो निर्माण है या हिमालय की इस पर्वत श्रेणी के निर्माण में बहुत ज़्यादा संपीड़ित या हम कहें कि रूपांतरित चट्टानों से इस श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब ऊंचाई हम देख लेते हैं, तो हमने देखा था महान हिमालय जो है ये सबसे ऊंचा है, और उसकी जो औसत ऊंचाई है वो हमने देखी थी कि लगभग 6100 मीटर थी, लेकिन लघु या मध्य हिमालय जो है वो महान हिमालय से थोड़ा सा इसकी ऊंचाई अब और कम हो जाएगी, और हम देखेंगे कि 3700 से 4500 मीटर जो है वो इसकी औसत ऊंचाई है। औसत चौड़ाई की हम बात करें तो ये 50 मीटर है। बच्चों, हिमालय की ये पर्वत श्रेणी जो है वो कई प्रमुख श्रृंखलाओं में विभाजित है। इन श्रृंखलाओं में ही हम देखेंगे सबसे प्रमुख जो है वो पीर पंजाल श्रेणी जो है यहाँ की एक प्रमुख श्रृंखला है, और इस मानचित्र में आप देख भी पा रहे होंगे, और इसके अलावा धौलाधार उसके नीचे, और ठीक उसके फिर दाएं से हम देख रहे हैं महाभारत श्रृंखला जो है वो हमको देखने को मिल रही है बच्चों। और इसी श्रेणी में पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य हमको कश्मीर घाटी देखने को मिलती है। कश्मीर से तो आप सभी परिचित हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, इसे हम पूरी धरती का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। इतनी अधिक खूबसूरत, और वहाँ जाएं तो हमें ऐसा लगता है वाकई में हम किसी स्वर्ग में पहुँच गए हों, और इससे आप एक पिक्चर से देख भी पा रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे कि कश्मीर घाटी जो है वो कैसे दिखती है। तो इसके अलावा ये तो हो गई कश्मीर में इसकी स्थिति, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच कश्मीर घाटी मिलती है, और इसके अलावा हिमाचल में हम देखेंगे कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी, ऐसे ही कई घाटियों की स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पूरे इस क्षेत्र को हम पहाड़ी नगरों के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ी नगरों के नाम से यहीं पर हमको मसूरी की स्थिति मिलती है, मसूरी जिसे हम पर्वतों की रानी के नाम से भी जानते हैं। मसूरी के अलावा नैनीताल है, रानी खेत है, ऐसे बहुत से पर्वतीय नगर, मतलब पर्वतों में जो नगर बसाए गए हैं, ऐसे नगरों की स्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब तीसरा हम देखते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हमने देखा जो मध्य या लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में, और लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में फिर शिवालिक श्रेणी की स्थिति देखने को मिलती है, और ये भी उसी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। अन्य श्रेणी की तुलना में, मतलब महान और लघु हिमालय की तुलना में, शिवालिक श्रेणी जो है वो थोड़ी छोटी है, इसीलिए उप हिमालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब शिवालिक श्रेणी के ठीक दक्षिण में हम देखेंगे कि हमारे उत्तर का विशाल मैदान जो है वो शुरू हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग 600 से 1500 मीटर की इसकी ऊंचाई है, मतलब लगातार ऊंचाई भी हम देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। सर्वाधिक ऊंचाई हमें
महान हिमालय में, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय में, और पर्वत की चोटियों की सबसे कम ऊंचाई जो है वो क्रमशः हमें शिवालिक श्रेणी में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसका निर्माण भी जो है वो इन दोनों श्रेणियों के बाद सबसे बाद में हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें दबाव जो है वो सबसे कम पड़ा है, जिसके कारण इसके उठने की प्रक्रिया सबसे कम हुई है। अब हम देखें कि महान हिमालय की जितनी भी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं महान हिमालय में, उन सब के द्वारा जो लाए गए, चाहे हम बालू की बात करें, कंकड़ है, बजरी है, ये सभी जो हैं वो हमको शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आते तक इसकी ऊंचाई कम हो गई, ढाल कम हो गया। तो महान हिमालय, लघु हिमालय से जो नदियाँ निकल कर आ रही हैं तीव्र ढाल से, यहाँ पर ढाल कम होने के कारण यहीं पर ये जो है उनके द्वारा लाए गए जो अवसाद जो हैं उनके रूप यहाँ पर हमें मिलते हैं। अब लघु और मतलब लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इन दोनों के बीच में हमें घाटियों की भी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा था कि महान हिमालय और लघु हिमालय, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी में हमने बात की थी कश्मीर घाटी की, कुल्लू और कांगड़ा घाटी की, ठीक उसी प्रकार जो हमें लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो लंबवत घाटियाँ देखने को मिलती हैं, उसे हम पश्चिम में दून कहते हैं, दून घाटी के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो देहरादून, देहरादून ऐसी ही घाटी में स्थित शहर है। और इसके अलावा हम कोटलीदून, पाटलीदून भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तो पश्चिम में हम इसे दून घाटी के नाम से जानते हैं और पूर्व में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है, द्वार, जैसे कि हरिद्वार। तो ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। दून शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है। इसी घाटी या बेसिन को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून ऐसी ही घाटी में बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। बच्चों, ये तो हमने देख लिया भौतिक विभाजन हिमालय का, कि इनके निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर जो हमने ये विभाजन देखा, महान, लघु या शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रादेशिक का विभाजन भी किया गया है, जहाँ पर जिन प्रदेशों में इनका विस्तार है उसके आधार पर हिमालय के कुछ प्रादेशिक विभाजन भी किए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, ये नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है हिमालय का। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पड़ता है, इसीलिए इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो सतलज और काली नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका पश्चिमी भाग, कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है इसे गढ़वाल हिमालय कहते हैं, और कुमायूं हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम काली और तिस्ता नदी के बीच का हिस्सा। काली और तिस्ता नदी के बीच का भाग जो है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और हिमालय का ये हिस्सा जो है इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। और मैं आपको बता दूं, जो हमने भी माउंट एवरेस्ट की बात की थी, ये सब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आपके नेपाल हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद अगला इसका विभाजन आता है असम हिमालय। तो तिस्ता नदी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तक, तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय की श्रेणी मिलती है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, और ये आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन तीनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ है।